अभी पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया कि राम क्या है, राम कौन है। राम हमारे प्रभात का प्रथम स्वर है। सुबह उठते क्या बोलते हो? राम राम। और प्रथम गूंज है, राम वंदन है, राम अभिनंदन है, राम मुक्ति है, राम चरित्र है, राम मर्यादा है। राम हमारे घट घट के भगवान है, राम हमारी पूजा है, अरमान है। राम हमारे अंतर मन के प्राण है, मंदिर मस्जिद पूजा के समान है। राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना। राम त्याग है, भोग नहीं है, सुन लेना। राम दया है, क्रोध नहीं है, जगवा लो। राम सत्य है, शोध नहीं है, जगवा लो। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। राम कौन है? मर्यादा है, सत्य है। देखिए आज के समय में एक बहुत बड़ी शक्ति ज्ञानियों में अग्रगण्य भगवान के परम भगत इस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी हैं, वो कौन है? चिरंजीव हनुमान जी। वो सब देख रहे हैं क्या चल रहा है, उनकी कृपा जो राम धुन आज पूरे विश्व में बज रही है। तो भगवान का दो अक्षर का नाम राम, मैं कहने की भी जरूरत नहीं है। गरीबदास महाराज कहते हैं आधे नाम में इतनी शक्ति है, इसलिए परमात्मा का नाम जपो। अर्ध नाम का पट तरा सुनियो रे भाई, गज गरा पसुआ तरे नर सुमरो ताई। कहते हैं आधे नाम की महिमा सुनो। क्या? गज गरा पसुआ तरे। गज गरा का युद्ध हुआ ना जल में, 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे और गरा उसका पैर पकड़ लेता गज का। और जब कोई रक्षा करने वाला नहीं ना, जब डूबने लगा इतना सा जो बरसूंड जल के ऊपर रहा, जब उसने कहा रा इतनी पीड़ा के साथ रणकार जपया, तभी भगवान गरुड़ पर उतर कर आए और गज को की रक्षा करी। कहते हैं जब पशु भी तर गए, ये मनुष्य सुमरो नर लोई, तुम भी भगवान का नाम जपो। और कैसे भगवान भाव के भूखे हैं, गरीबदास महाराज फरमाते हैं कोटि के तपिया तप करें बनखंड के माही, अवगत राजा राम जी झूठे फलकाई। गरीबदास महाराज ने इतनी सुंदर महिमा लिखी है कि करोड़ों करोड़ों तपस्वी सिद्ध ऋषि मुनि तप कर रहे थे उस बन के अंदर, अगर भगवान राम सबसे पहले हमारे पास आएंगे, लेकिन अवगत राजा राम जी झूठे फलकाई। एक भिलनी जिसको अछूत समझते थे, रोती है रोजाना भगवान के लिए, फूल बिछाती है, सबसे पहले भगवान विश्व शिवरी की कुटिया में गए। तो ऐसे दयालु परमात्मा है और उनके चरणों की धूली में ऐसी शक्ति है। गरीबदास महाराज फरमाते हैं कि जिसको भी स्पर्श कर गई उसका कल्याण हो गया। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया अपनी पत्नी अहिल्या को कि जा पत्थर की हो जा, शिला हो जा। जब राम गए कुटिया, देखा खंडर पड़ा है, वृक्ष सूख गए हैं, कोई पशु पक्षी वहां तक नहीं जाता है, तब भगवान के चरणों की धूली स्पर्श होकर शिला को स्पर्श हुई तो दोबारा उसी स्वरूप में लौट आई। तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं शिला अहिला हो गई गौतम की नारी, वे चरण कमल क्यों ना दाम ही जिन पारे उतारी। चरण कमल की रज पड़ी जो पारस लोहा, गई अहिला लोक को छूटे सब द्रोहा। जैसे ही उस चरणों की रज ने स्पर्श किया, वो शिला दिव्य रूप अहिला हो गई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अपने पति के लोक में चली गई, जगत को छोड़ के। उनके चरणों की धूली में इतनी ताकत है, इसलिए कैसा खुशी का अवसर है आज हमारे देश में। जहां देखो गली चौराहे अखबार टीवी में एक ही चर्चा है, जय श्री राम। आज चर्चा है अखबारों में, टीवी और बाजारों में, डोली धुन कहारों में, सूरज चंदा तारों में, आंगन और दीवारों में, घाटी और पठारों में, लहरों और किनारों में, वासन कविता नारों में, जहाज रेल और कारों में, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम। हर जगह एक ही गूंज है। तो बड़ा खुशी का समय है, हम घट घट वासी परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करते हैं और आप भी साक्षी बने। बिल्कुल उसी करेक्ट टाइम पर जो 84 सेकंड का समय था, अभी जीत मुहूर्त और मृगशिरा नक्षत्र में
जिस समय त्रेता युग में भगवान राम का अवतरण हुआ था उसी समय बीज मंत्रों का उच्चारण करके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसी समय आप भी बीज मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और आरती कर रहे थे भगवान के। और मैं अभी एक छोटा सा भजन बोलूँगी जो गरीबदास महाराज के अंदर खुद परमात्मा उतरे हैं, राम उतरे हैं, उस समय का ये भजन है। राजा राम हमारे आए हैं, राजा राम हमारे हैं, राजा राम हमारे आए हैं, आज राम हमारे आए हैं, राजा राम हमारे हैं। तीन चरण चिंतामणि साहिब, तीन चरण चिंतामणि साहिब, शेष बदन पर छाए हैं, राजा राम हमारे आए हैं, राजा राम हमारे हैं। श्वेत छतर सिर मुकट विराजे, श्वेत छतर सिर मुकट जे, पीतांबर पहराए हैं, राजा राम हमारे आए हैं, आज राम हमारे हैं। कमल नैन कमलापति स्वामी, कमल नैन कमलापति, त्रिकुटि छाजे पाए हैं, राजा राम हमारे आए हैं, राजा राम हमारे हैं। गल में जयंती माला जाके, गल में जयंती माला, हे शिष मुकट राम राए हैं, राजा राम हमारे आए हैं, राजा राम हमारे हैं। आज आनंद मंगल गाए हैं, राजा राम हमारे हैं। घुंघर वाले केश विराजे, घुंघर वाले केश विरा, कानों में कुंडल छाए हैं, राजा राम हमारे आए हैं, राजा राम हमारे हैं। ठाकुर के नहीं ठोर ठिकाना, ठाकुर के नहीं ठोर ठिकाना, ठहरे जा ठहराए हैं, राजा राम हमारे आए हैं, राजा राम हमारे हैं। कोट ज्ञान से भिन्न पसारा, कोट ज्ञान से भिन्न पसारा, सतगुरु को दर्शाए हैं, राजा राम हमारे आए हैं, आज राम हमारे हैं। गरीबदास या अखत कथा है, गरीबदास या अखत कथा है, पढ़ पढ़ तके खाए हैं, राजा राम हमारे आए हैं, राजा राम हमारे हैं। आज मंगानंद मंगल गाए हैं, राजा राम हमारे आए हैं, आज आनंद मंगल गाए हैं, राजा राम हैं, राजा राम हमारे हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, धनुषु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम।
राम सिया राम जय जय श्री राम कथा गंदर कर तारी संसय विहग उड़ावन हारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय श्री राम कलयुग केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उतरई पारा राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान गुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब कितना सुंदर सटीक गरीबदास महाराज ने 300 वर्ष पहले लिख दिया 12-11 वर्ष की अवस्था में। अभी आपने मूर्ति के दर्शन किए ना भगवान के, घूंघर वाले केस, ऊपर मुकुट, गले में वैजयंती माला, कमल नयन और पीताम्बर पहना रखा है। सेम टू सेम गरीबदास महाराज ने अपनी वाणी में लिखा।